हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज की वीडियो में मैं अगेन आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन के लिए तो so, ये क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का तो so, ये एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट हुआ था एंड इसमें आपका सिमिलर फार्मेसी जो ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस रहता है वही सिलेबस इसमें है तो so, इसमें टू हंड्रेड एम थे फार्मेसी रिलेटेड एंड उसमें से हम इनिशियल हंड्रेड एम सी के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन है एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट इन टैबलेट ग्रेन्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर तो अगर टैबलेट ग्रेन्यूल्स में एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से स्टेकिंग डिफेक्ट जो है वो टैबलेट में आएगा सो तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ़ द इक्वेशन इज यूज टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट एट एक्सलरेटेड टेम्परेचर तो इनमें से एक इक्वेशन जो है वो ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को प्रडिक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है एट रूम टेम्परेचर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो कि एक्सिलरेटेड टेम्परेचर पर कैरी आउट किए जाते हैं तो so, ये इक्वेशन है आपकी आरहेनियस इक्वेशन सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द दिच ऑफ द कैप्सूल साइज़ हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी किस कैप्सूल साइज की रहती है सो so ये होती है आपकी कैप्सूल साइज फाइव की सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रिपल ज़ीरो की हाइएस्ट रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट एंगल फॉर कंप्लीट बैटिंग इज सो कंप्लीट बैटिंग के लिए कॉन्टैक्ट एंगल क्या रहता है सो फॉर कंप्लीट बैटिंग द कॉन्टैक्ट एंगल इज ज़ीरो डिग्री ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी इमर्शन कंटेनिंग वॉलेटाइल ऑयल द रेशो ऑफ वॉलेटाइल ऑयल इज़ टू वाटर इज टू गम इज़ वॉलेटाइल ऑयल इज़ टू वाटर इज टू गम ये रेशो क्या रहेगी इन तीनों की प्राइमरी इमर्शन की प्रेपरेशन में सो द रेशो विल बी टू रेशो टू रेशो वन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीप टेस्ट इज यूज टू एनालाइज द बिस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सो क्रीप टेस्ट किस की बिस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है सो इट इज़ परफॉर्म टू टेस्ट द ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट की बिस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए एनालाइज करने के लिए क्रीप टेस्ट का यूज़ किया जाता है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द एंगल ऑफ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एंगल ऑफ रिपोज फॉर एक्सीलेंट फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर सो एंगल ऑफ़ रिपोज़ की क्या रेंज रहेगी एक्सीलेंट फ्लोइंग प्रॉपर्टी के लिए पाउडर्स की सो इट विल बी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोसिटी इज एक्सप्रेस इन सो पोरोसिटी की यूनिट्स क्या रहती हैं तो ये परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस किया जाता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली स्पेंस आर कॉल्ड एज सो केमिकली स्पेंस क्या होते हैं सो आर द द एस्टर्स ऑफ़ फैटी एसिड्स ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट अ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है सो द फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रहेगी सरफेस टेंशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैक्सिमम सेडिमेंटेशन रेट विल बी ऑब्जॉर्व व्हेन जीटा पोटेंशियल इज सो मैक्सिमम सेडिमेंटेशन रेट कब ऑब्जर्व होगा सो so जब आपका जीटा पोटेंशियल जीरो के इक्वल रहेगा देन मैक्सिमम सेडिमेंटेशन रेट विल बी ऑब्जॉर्व नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइड प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर डिराइड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इनमें से कौन सी नहीं है तो इसमें पोरोसिटी एंगल ऑफ रिपोज डेंसिटी दीज थ्री आर द डिराइड प्रॉपर्टीज एवरेज साइज इज नॉट अ डिराइड प्रॉपर्टीज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंडक्टिविटी टेस्ट इफ बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट वट वुड बी द टाइप ऑफ इमर्शन तो कंडक्टिविटी टेस्ट में अगर बल्ब इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पे ग्लो हो जाएगा सो तो वो ऑइंटमेंट वो इमर्शन आपकी रहेगी ऑयल इन वाटर इमल्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सब्स्टांसिस तो किसी सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक वाटर्स आर सो एरोमेटिक वाटर क्या होते हैं दीज आर दैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल इन वाटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है केकिंग ऑफ द सस्पेंशन इज ऑब्जर्वड इन सस्पेंशन की केकिंग जो है वो आपको डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में देखने को मिलेगी सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोलबलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर इज इंक्रीज इन द प्रेन्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर सोल्यूबल एडिटिव बिकॉज ऑफ तो जो ड्रग की सॉलिबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल एडिटिव्स सो इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोट्रॉफी हाइड्रोट्रॉफी की वजह से ये होता है सो ऑप्शन डी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे विल सो अगर आर बी सी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो देन दे विल बी स्वेल्ड ये स्वेल हो जाएंगे सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इज डैश देन एरोमेटिक वाटर अल्कोहलिक कंसंट्रेशन स्पिरिट की जो है बहुत ज्यादा होती है एरोमेटिक वाटर से सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी जी एम पी सब पार्ट जी इज रिलेटेड टू तो सी जी एम पी में जो सब पार्ट जी रहता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है सो इट इज रिलेटेड टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी मैक्स इन प्लाज्मा कंसनट्रेशन वर्सिस टाइम का इंडिकेट्स सो जो सी मैक्स होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में वर्सेज टाइम का इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा सो इट विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ ऑब्जॉर्बेशन इक्वल्स रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटलिंग इन टैबलेट मीन्स सो टैबलेट्स में मोटलिंग क्या रहती है तो so ये आपकी होती है अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टेबलेट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन टू प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन इज सो रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन की रेशो टू द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन ये आपकी रहती है रीनल क्लियरेंस इट इज द रीनल क्लियरेंस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मुलेशन दैट कंटेन्स सेम थेरापेटिकली एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स एंड एलिसिट आइडेंटिकल फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट आर सेट टू बी सो so, ऐसी फॉर्मूलेशन फॉर्मोलेशन जिसमें सेम थेरापिटिकली एक्टिव इन्ग्रीडियंट होता है और सेम ही आपकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो देता है तो so, ऐसे कंपाउंड्स आपके होते हैं थेरापिटिकली इक्वलेंट तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इनमें से फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर मेज़र करने के लिए कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है सो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होजनर्स रेशियो एंड एंगल ऑफ रिपोज दिस आर यूज टू मेजर द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स लेकिन बल्क डेंसिटी का यूज़ नहीं किया जाता है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू द एयर परमियबिलिटी मैथड एयर परमीएबिलिटी मैथड के साथ कौन सी इक्वेशन रिलेट करती है सो इट इज़ जनी कार्मोन इक्वेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग एजेंट है नौ के बीच में रहती है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटा पोटेंशियल इज यूज इन कॉलोइ्स फॉर डेटरमाइनिंग द जीटा पोटेंशियल कोलोइड्स में यूज किया जाता है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्जन स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्जन को डिटरमाइन करने के लिए जीटा पोटेंशियल का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वच काइंड ऑफ ड्रग्स आर ऑब्जॉर्व थ्रू एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के थ्रू किस टाइप्स के ड्रग्स जो हैं वो ऑब्जॉर्व होते हैं तो so, जो भी आपके मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स होंगे या ऐसे ड्रग्स जो ड्रग्स एज ऑयली ड्रॉपलेट्स ऑयली ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो ड्रग्स होंगे वो आपके एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ऑब्जॉर्व होंगे ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पोर कन्वेंशन ट्रांसपोर्ट पोर कन्वेंशन ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या रहती है सो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पोअर कन्वेंशन और ट्रांसपोर्ट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑल्सो कोल्ड सेल ड्रिंकिंग सेल ड्रिंकिंग किस प्रोसेस को कहा जाता है तो so ये आपका होता है पिनोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड पार्टिसिपेट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कौन सी बॉन्ड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो so यह आपकी बॉन्ड है आइनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कॉबलेट बॉन्ड तीनों बॉन्ड्स जो है वो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बायो अवेलेबल फ्रैक्शन बायो अवेलेबल फ्रैक्शन के लिए क्या इक्वेशन रहेगी सो इट विल बी बायो अवेलेबल डोज डिवाइडेड बाय डोज सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम यूरिनरी सैंपलिंग टाइम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इन कम्पार्टमेंट मॉडल यूजिंग सिगमा माइनस मैथड सो जो मिनिमम यूरिनरी सैम्पलिंग टाइम होगा वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की कैलकुलेशन के लिए किसमें आपके कम्पार्टमेंट मॉडल में यूजिंग सिग्मा माइनस मैथड सिग्मा माइनस मैथड को यूज़ करके वो आपका सेवन टाइम्स होगा ऑफ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ वन टी स्पून फुल इज तो वन टी स्पून फुल आपका फोर एम एल के इक्वल होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यू वी फिल्टर्स यूज इन सनस्क्रीन कॉस्मेटिक्स तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फॉल्स स्टेटमेंट है यू वी फिल्टर्स के लिए जो कि आपके सनस्क्रीन कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं सो so, ये यू वी रेडियशंस को ऑब्जॉर्व करते हैं ये यू वी रेडिएशन को स्कैटर भी करते हैं सो so ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के हो सकते हैं आपके यू वी फिल्टर्स सो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सनस्क्रीन कॉस्मेटिक्स uh, में यू वी फिल्टर्स के लिए एकदम करेक्ट हैं तो so, इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा दैट इज नन ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल चेंजिज अपॉन पोलीमोर्फिक कन्वर्जन तो so, कौन सी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो है वो चेंज होगी अपॉन पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन सो दिस प्रॉपर्टी विल बी वेटेबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी एंड क्रिस्टल शेप ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं वो मटेरियल्स की हैं जो कि चेंज होती हैं पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन पे सो so, इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी मटीरियल दैट इज इंसर्टेड इन अ कैप टू मेक अ सील बिटवीन द क्लोजर एंड द कंटेनर इज़ टर्म्ड एज तो कोई भी मटीरियल जो कि कैप में इंसर्ट किया जाएगा सील बनाने के लिए बिटवीन क्लोजर एंड कंटेनर ठीक है इस मटीरियल को क्या कहा जाएगा सो इट दिस मटीरियल इज क्लोजर लाइनर्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मटीरियल और डिवाइस यूज टू प्रीवेंट डबल इम्प्रेशन ऑन द टेबलेट सरफेस सो ऐसा मटीरियल या डिवाइस जो कि डबल इम्प्रेशन को प्रिवेंट करता है टैबलेट के सरफेस पे सो दिस मटीरियल इज एंटी टर्निंग डिवाइस ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू एस पी हाउ मच एक्सेस मोबाइल लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन अ फाइव एम एल इंजेक्शन सिंगल डोज सो है टू विद्रो एक्ूरेटली लेबल्ड लिक्विड तो यू एस पी के अकॉर्डिंग कितना एक्सेस मोबाइल लिक्विड जो है वो फिल कर सकते हैं फाइव एम एल इंजेक्शन में जो कि एक सिंगल डोज इंजेक्शन रहेगा ताकि लेबल्ड लिक्विड को एक्यूरेटली विड्रॉ कर किया जा सके सो so, एक्सेस जो है वो रहेगा जीरो पॉइंट थ्री एम एल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ द हॉट मील विल बी तो हॉट मील की जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है वो आपकी स्लो रहती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ द हॉट मील विल बी स्लोअर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन सी मैक्स ऑफ अ ड्रग इज अचीव वेन तो जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है किसी भी ड्रग की वो अचीव होगी जब आपका ऑब्जॉपशन रेट जो है वो एलिमिनेशन रेट के इक्वल होगा सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेस डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन और इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सो इंटरफेस किस के बीच में पॉसिबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करेगा सो so इंटरफेस आपका गैस गैस के बीच में जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करेगा सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द जी आई टी अब्जॉर्बेशन ऑफ द राइवोफ्लेविन इज मोर इफ इट इज़ टेकन सो जी आई टी अब्जॉर्ब्शन जो है वो राइबोफ्लेविन की ज़्यादा होगी अगर इसको खाना खाने के बाद में लिया जाएगा सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एम्पी इज ऑब्जॉर्ब क्विकली सो एम्पी की कौन सी फॉर्म जो है वो काफ़ी क्विकली जो है वो ऑब्जॉर्व होगी सो दिस फॉर्म विल बी एनहाइड्रस एनहाइड्रेस फॉर्म जो है एम्पी सिलिन की वो काफ़ी क्विकली जो है वो ऑब्जॉर्व होगी सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन सो हीलियम पिक्नोमीटर जो है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ट्रू डेंसिटी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद शुगर इज मॉर स्वीट कौन सी शुगर जो है वो ज़्यादा स्वीट होती है सो इट विल भी इनवर्ट शुगर इन्वर्ट शुगर आपकी ज़्यादा स्वीट होती है देन सुक्रोस टेक्सट्रोस एंड अदर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी वन द मूमेंट ऑफ मोबाइल फेज इज इन आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सपोर्ट द डेवलपमेंट इज कॉल्ड तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब मोबाइल फेज़ की मूवमेंट जो है वो सेंट्रल स्पोर्ट से आउटवर्ड होगी सो जो डेवलपमेंट होगी उस डेवलपमेंट को कहा जाएगा रेडियल डेवलपमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ट कैंफर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन सो रास्ट कैंफर मेथड जो है वो आपका मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन सो एंट्रोपी चेंज किस पे डिपेंड करता है एंट्रॉपी so, चेंज आपका डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर के ऊपर ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस कौन इंडिकेट करता है सो इट इज एंथेलेपी एन्थेलेपी विल इंडिकेट द टोटल हीट ऑफ अ सबस्टांस ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका होता है वन पॉइंट थ्री थ्री ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप इज तो ऐसा सिस्टम जो कि मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेगा तो so ऐसा सिस्टम आपका रहेगा एसेटोन एंड क्लोरोफॉम सिस्टम सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्ट ब्रिज यूज टू कनेक्ट द टू हाफ सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इनमें से कौन सा जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा सॉल्ट ब्रिज में टू कनेक्ट द टू हाफ सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ये एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा बाकी तीनों जो हैं वो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं ये तीनों का यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर इनमें से कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर रहता है सो इट इज सोडियम एसिटेट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन सो इट विल लीड्स टू चेंज इन कोलिजन फ्रिक्वेंसी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एटोमिक इंटरअटमिक डिस्टेंस इज मैक्सिम इन सो इंटर अटोमिक डिस्टेंस जो है वो आपका स्टीम के केस में मैक्सिमम रहेगा सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन लिक्विफाइज एट सो नाइट्रोजन लिक्विफाई होती है आपकी माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल इन में सेकेंडरी सेल कौन सा है सो इट इज लेड स्टोरेज बैटरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेनरीज लो कॉन्स्टेंट इज हैंज लो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपकी रहती है ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सोलिबिलिटी सो so, ऐसी कैसी जिनकी लो सॉलिबिलिटी रहेगी उनके लिए ग्रेटर रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हक्कल्स रूल इज रिलेटेड टू सो हक्कल्स रूल जो है वो आपका एरोमेटिसिटी के साथ रिलेटेड है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन हैव स्ट्रक्चर इनमें से किस कंपाउंड का मीजो स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है सो द कंपाउंड इज़ सिट्रिक एसिड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ब्रिज ब्रिज रिंग सिस्टम ब्रिजड रिंग सिस्टम इनमें से किस कंपाउंड का रहेगा सो so, ये आपका रहेगा नॉर बोर्नेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज मेड अप ऑफ स्टार्च किससे बना होता है तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोवस एंड अमाइलोपेक्टिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड इनमें से एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन सा है सो इट इज टाइरोसिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन इनमें से पेप्टाइड हॉर्मोन कौन सा है सो so यह आपका रहता है ऑक्सीटोसिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट कोज डी नेचुरेशन ऑफ़ प्रोटीन्स और डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कौन करेगा तो so आपका अगर इंक्रीज टेम्परेचर रहेगा या एसिड की एडिशन होगी या यू वी लाइट्स की एक्सपोजर मिलेगा तो so ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी प्रोटीन्स की डी नेचुरेशन कर सकती हैं सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप में सिग्मा और डी लोकलाइज्ड पाई प्रोटीन्स होते हैं दे विल हैव सिग्मा एंड डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर टू गिव सो जो बेंज़ोइक एसिड है वो आपका कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट करता है और कंसनट्रेटेड एच ओ फोर के साथ एंड इट विल गिव एम नाइट्रो एसिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम इज हीटेड द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन इज सो जब सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिक्सचर को हीट किया जाएगा सो so, हमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा बेंजीन वी विल गेट बेंजीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ एनेशियोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी अचीव बाय रिएक्शन विद सो एनशियोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड की सेपरेशन हम अचीव कर सकते हैं मॉर्फिन के साथ रिएक्शन करवा के वाई द रिएक्शन विद मॉर्फिन सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर इनमें से एस्टर कौन सा है तो एसेटाइल सेलिस एसिड बेंजोकिन एंड कोकिन तीनों ही जो हैं वो आपके एस्टर्स एस्टर्स हैं तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन सीडेटिव एंटी हिस्टमेनिक नॉन सीडेटिव एंटी हिस्टमेनिक कौन सा है तो so, ये आपका रहता है फैनिरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर हेमैटिनिक इनमें से हिमैटिनिक कौन सा है सो फॉलिक एसिड जो है वो आपका हिमैटेनिक कंपाउंड रहता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन एसिडिफाइंग एजेंट एज वेल एज एक्सपेक्टोरेंट इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एक एसिडिफाइंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है एज वेल एज एक्सपेक्टोरेंट सो ये आपका रहता है अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टॉपिकली इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो टॉपिकली यूज नहीं किया जाएगा सो इट विल बी ऑप्शन बी सल्फा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबोलाइट इनमें से एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है तो एंटी मेटाबोलाइट इज फाइव फ्लोरोल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कौन सा है तो so, ये आपका रहता है आइसोनियाजेड ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा साइक्लिन प्रोडक्ट इनमें से टेट्रासाइक्लिन प्रोड्रग कौन सा है सो इट इज रोली टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे वेवी सिंड्रोम इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ तो so ग्रे वेवी सिंड्रोम आपका क्लोरम फेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट होता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ड्यू टू प्रोस्ट तो so, प्रोस्टाग्लैंड की वजह से कौन सा एक्शन जो है वो इसमें रहेगा सो इट इज बेसोडाइलेशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्टैटिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट्स तो निस्टैटिन जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है एंटीफंगल एजेंट में सो इट बिलोंग्स टू पोलियन एंटी एंटीफंगल एजेंट्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी ऑफ एन एनालिटिकल मैथड इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल मैथड्स की एक्यूरेसी जो है वो आपकी एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टाइट्रेशन ऑफ बी कैसिड व स्ट्रॉन्ग बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर वुड भी बेस्ट सो बी कैसिड की स्ट्रोंग बेस के साथ टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर जो है वो यूज़ किया जाएगा सो इट विल भी फिनॉपथलीन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन लेमन ऑरेंज एंड ग्रेप्स इज सो ऑरेंज लेमन और ग्रेप्स में आपका सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ और आर बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन पे कौन सी टेक्निक जो है वो बेस्ड है सो so ये टेक्निक है आपकी टर्बिडी एंड निफेलोमेट्री टर्बडीमेट्री एंड रिफेलोमेट्री जो है दोनों ही स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड हैं सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ के एम एन ओ फोर इज मैक्सिमम इन सो किस टाइप्स की कंडीशन में के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैग्नेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो आपकी मैक्सिमम रहेगी सो इट इज एसीडी कंडीशन एसीडी कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगी के एम एन ओ फोर की नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन द इंडिकेटर यूज इज तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज किया जाता है दैट इज स्टार्च सोल्यूशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलोइंग डाइज इज यूज एज एन इंडिकेटर इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है तो so, ये आपका रहता है फ्लोरेसिन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इंडिकेटर आपका रहेगा फ्लोरेसिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एजेंट इन कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा मास्किंग एजेंट यूज किया जाता है सो so, ये आपका मास्किंग एजेंट होता है एसिड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम लाइज विटवीन सो वैक्यूम यू कितने रेंज पे लाई करता है सो इट लाइज बिटवीन टेन टू टू हंड्रेड नैनोमीटर्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाई एटोमिक मॉलीक्यूल सो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करेगा डाई एटोमिक मोलिक्यूल की सो so, ये फैक्टर आपका रहेगा फोर्स कॉन्स्टेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल स्प्लिटिंग इन एन एम आर अराइज फ्राम तो एन एम आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में सिग्नल स्प्लिटिंग जो है वो किस वजह से अराइज होती है सो इट इज़ ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से सिग्नल स्प्लिटिंग जो है वो अराइज होती है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोफोर इनमें से क्रोमोफोर कौन सा नहीं है तो हाइड्रोक्सिल इज नॉट अ क्रोमोफोर कार्बोनिल, बेंजोइल, एजो दीज आर द क्रोमोफोर कंपाउंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल्स कैन क्वांटिटेटिवली क्वान्टिटेटिवली डिटरमाइंड बाय फिनॉल्स जो है वो क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन किए जा सकते हैं बाय ब्रोमोमेट्री ब्रोमोमेट्री से फिनॉल्स को क्वान्टिटेटिवली डिटरमाइन किया जा सकता है मीन क्वान्टिटी जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्यू सी इज पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंगली क्यू सी जो है वो आपका जीएम पी का पार्ट रहता है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका होता है एम जी ओ एच होल्ड सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग इज द ट्राइओस इनमें से ट्राइओस कौन सी शुगर है तो ये आपकी रहेगी ग्लिसरल डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इज तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है दैट इज अलूमिनियम क्लोराइड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरे टेस्ट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सो ब्यूरे टेस्ट आपका पेप्टाइड बोन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस को कन्फर्म करता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो हंड्रेड क्वेश्चन आर कंप्लीटेड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें रिमेनिंग हंड्रेड क्वेश्चन इसके मैं कवर कर दूंगा जो कि शाम को आएगी वीडियो सो थैंक यू वेरी मच